बात है वर्ल्ड वॉर टू की। करीब 5500 किलोमीटर दूर है पोलैंड और गुजरात एक दूसरे से, मगर इतनी दूरी के बावजूद भी इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो इनको आज भी एक साथ एक दूसरे से जोड़ के रखता है। जी हाँ दोस्तों, वो कड़ी है गुजरात स्थित जामनगर के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जाडेजा। जामनगर के इस महाराजा के नाम पर आज पोलैंड में कई सारी पॉलिसीज चलती है। वॉर्सो की कई सड़कों और स्कूलों के नाम महाराजा दिग्विजय सिंह जी के नाम से आज भी पोलैंड में मौजूद है। हर साल पोलैंड के अखबारों में उनके नाम पर कई आर्टिकल्स भी छपते हैं। यहाँ तक कि महाराजा जाम साहेब को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है। आखिर क्यों पोलैंड जैसा एक देश भारत के एक राजा को इतना प्यार और सम्मान देता है? क्यों महाराजा दिग्विजय सिंह जी को आज भी पोलैंड एक मसीहा के तौर पर देखता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी द गुड महाराजा की। महाराजा दिग्विजय सिंह जी का जन्म 18 सितंबर 1995 को गुजरात के सदोदर में हुआ था। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1919 में ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन किया और 1931 में ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ अपने मिलिट्री करियर को पूर्ण किया। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो भारत के मशहूर क्रिकेटर और महाराजा रणजीत सिंह जी के भतीजे थे। ये वही महाराजा है जिनके नाम पर भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। साल 1933 में महाराजा रणजीत सिंह जी के निधन के बाद गद्दी को महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने ही संभाला और उनके कार्यों को आगे की ओर ले गए। पोलैंड के लोग महाराजा दिग्विजय सिंह जी को मसीहा के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पोलैंड के कई बच्चों की जान बचाई थी। पूरी घटना कुछ यूं है कि जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब पोलैंड के हजारों सैनिक मारे गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए। 1941 तक वो बच्चे पोलैंड के शिविरों में ही रहे, लेकिन उसके बाद रूस ने बच्चों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। इसीलिए कई बच्चे अपनी माँ के साथ और कई बच्चे अकेले ही जहाज पर चढ़ गए। करीब 1000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को जहाज में बैठा कर समुद्र के बीच छोड़ दिया गया और जहाज के कप्तान को कहा कि इन्हें किसी ऐसे देश ले जाओ जहाँ इन्हें शरण मिल सके। जहाज कई दिनों तक समुद्र के बीच ही घूमता रहा, मगर कई देशों ने जहाज को सीमा के अंदर भी नहीं घुसने दिया। भूखे प्यासे घूमते फिरते आखिर वो जहाज गुजरात के जामनगर तट पर आ पहुंचा। उस वक्त तक देश अभी आजाद भी नहीं हुआ था, फिर भी महाराजा जाम साहेब ने जरा से भी देरी किए बगैर उन सब के लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए और उनके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था की। यहाँ तक कि वो अपने संस्कृति को ना भूल जाए इसीलिए उन्होंने ऐसे स्कूल की स्थापना की जहाँ सिर्फ पोलैंड की भाषा पहनावा और संस्कृति सिखाई जाती थी। यहाँ तक कि उनकी किताबों को उन्हीं के लैंग्वेज में बनवाया ताकि उन्हें पढ़ने लिखने में आसानी रहे और वो उनके कल्चर और ट्रेडिशन को भी जिंदा रख सके। करीब 9 सालों तक महाराजा ने उन सबकी एक पिता के तौर पर काफी देखभाल की। पोलैंड में सब कुछ सामान्य होने के बाद वहाँ की सरकार ने बच्चों को वापस बुलवा लिया, जिसे छोड़ने खुद महाराजा भी साथ गए। ये किस्सा आज भारत के विशाल हृदय का एक पर्याय माना जाता है। 3 फरवरी 1966 तक महाराजा हमारे साथ रहे और 70 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भले ही आज वो हमारे साथ मौजूद ना हो, मगर उनके किए कामों से कईयों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। आज इतने सालों बाद भी हर साल उन शरणार्थियों के वंशज जामनगर आते हैं और उनके पूर्वजों को याद करते हैं। हाल ही में हुए यूक्रेन रशिया वॉर में फंसे हमारे सैकड़ों स्टूडेंट्स को बिना वीजा के पोलैंड के कई शहरों में शरण देकर पोलैंड ने इतने सालों बाद वाकई में इसका सही मायनों में कर्ज चुकाया है। 17 दिसंबर 2022 को महाराजा दिग्विजय सिंह जी के जीवन पर आधारित मूवी द गुड महाराजा रिलीज हो रही है। ये थी कहानी द गुड महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जाडेजा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah.